Hello viewers, myself is Anshuman Prohit and today we are starting another lecture on nomenclature of refrigerant. Refrigerant ko kaise nomenclate kiya jata hai, kis tarike se aaj hum seekhenge. Kehne ka matlab ye hai ki jab hame chemical formula pata hai to hum refrigerant ko R112 is tarike se kaise likh sakte hain, jaise ye chemical formula hai. परंतु जब हम कंप्रेसर पे देखते हैं तो वो इस फॉर्म में लिखा रहता है, ना कि इस फॉर्म में लिखा रहता है. तो ये जो डेजिग्नेशन है हम कैसे असाइन करते हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, इसको सीखेंगे कैसे किया जाता है. तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, मात्र 10 सेकंड का, कि ये जो नोमेनक्लेचर है इसको डेवलप एशर ने किया है. एशर एक सोसाइटी है, दैट इज़ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स. इनने नोमेनक्लेचर जो है रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ाइन किया है. तो नोमेनक्लेचर सीखने से पहले आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है, CaHbFcCl. ये C जो है कार्बन को डिनोट कर रहा है, H हाइड्रोजन को, F फ्लोरिन को, और Cl जो है वो क्लोरिन को डिनोट करता है. और नीचे जो ABC लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और फ्लोरिन एटम बताते हैं. तो हमें बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया हो हमें इस फॉर्म से उसको कंपेयर करना है, ठीक है. और ABC हमें निकालना है कि कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है और कितने फ्लोरीन एटम है, ठीक है. तो जो कंप्लीट डेजिग्नेशन है वो किसी भी कंपाउंड का वो इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है. एक बार यदि हमने ए बी और सी कैलकुलेट कर दिए तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, आर, फिर ए की जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे, बी की जो वैल्यू आएगी उसको 1 उसमें 1 ऐड करेंगे, और सी की जो वैल्यू आएगी उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है. एक बार आपने जो भी केमिकल फॉर्मूला आपको दिया है कन्वर्ट करने के लिए, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ABC निकालना है, और यहाँ पर आपको फिर इस फॉर्म में उसको लिखने के तरीका ये रहेगा, आर के बाद आपको लिखना है ए माइनस 1, बी प्लस 1 और सी, ठीक है. तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. यहाँ पे R जो है इसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, मैंने बताई दिया. A जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, B नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और C जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है. क्लोरीन एटम का क्या यूज़ है, क्या रोल है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. हमें ये एक कंपाउंड दे रखा है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है. इसका हमें डेजिग्नेशन असाइन करना है, तो पहले इसको पढ़ के बता देता हूँ मैं. ये जो है टेट्रा क्लोरो डाइफ्लोरो इथेन है, ठीक है. दो कार्बन एटम है तो इथेन है, और चार क्लोरीन, इसलिए टेट्रा क्लोरो डाइफ्लोरो इथेन. और इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है. R112 R23 क्या बनता है हमें देखना है, ठीक है. तो इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है. मैंने आपको पहले बता दिया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, हाइड्रोजन एटम कितने और फ्लोरीन एटम कितने हैं. इट मीन्स दैट हम चेक करेंगे ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या है. तो सबसे पहले मैं कार्बन एटम चेक करता हूँ, ठीक है. नंबर ऑफ कार्बन एटम गिवन केमिकल फॉर्मूले में, कार्बन कंपाउंड में कितने हैं, तो हम देखेंगे एक दो कार्बन एटम है, ठीक है. हमारे पास कितने कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम. इट मींस दैट कि यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 2. आगे बढ़ते हैं. अब मैं कैलकुलेट करूँगा गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक है. तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो कंपाउंड हमें दिया है इसमें कहीं भी हाइड्रोजन एटम नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो B का वैल्यू है वो 0 है. सो द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 0. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम हमें कितने दे रखे हैं गिवन कंपाउंड में. देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 और 2, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम हमारे पास कितने हैं, 2 फ्लोरीन एटम है. तो C की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है. अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को जो हमें तरीका है लिखने का, दैट इज़ आर ए माइनस 1, बी प्लस 1 और सी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे. तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ आर. अब ए की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 2 माइनस 1. फिर बी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1. और सी की तो वैल्यू हमें एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे, तो ये हमने सी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है. तो 2 माइनस 1 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1 और 2 एज इट इज़. तो जो गिवन कंपाउंड है उसका डेजिग्नेशन क्या बनेगा, R112, ठीक है. होप आपको समझ में आएगा. एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, पर उसके पहले मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि अगर यदि आपको इसका वाइस वर्सा करना हो, केमिकल फॉर्मूला आपको दे रखा हो और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो वो तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया. परंतु अगर आपको ये
किसी ने पूछा हुआ है कि बताओ इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है R112 का, तो वो आप कैसे करेंगे? तो ये बड़ा आसान है। ये जो प्लेस होता है, ये प्लेस बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जो सेकंड वाला प्लेस होता है, ये हमेशा बताता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे अभी यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये 1 ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 2 है। आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उससे एक ज़्यादा होगा कार्बन एटम। अभी यहाँ पे 1 लिखा है तो हमारे पास कार्बन एटम कितने होंगे, 2 हमेशा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो कार्बन एटम 3 होते, 3 लिखा होता तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते। तो यहाँ जितना भी डिजिट लिखा रहेगा उससे एक कार्बन एटम हमेशा ज़्यादा होगा। फिर ये जो बीच वाला डिजिट है, ये बीच वाला डिजिट हमें बताता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 है। यहाँ जितना भी डिजिट लिखा हो उसमें से आपको एक कम करना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 1 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 0। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 0, ठीक है। ये जो बीच वाला प्लेस है हमेशा बताएगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो जितना भी डिजिट यहाँ पर लिखा हो, अभी 1 लिखा है इसलिए एक कम करा तो 0। अगर 2 लिखा होता तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 है। अगर 4 लिखा होता तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है। अगर 5 लिखा होता तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है। तो ये जो बीच में जो प्लेस लिखा है ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने। तो अभी यहाँ पर 1 लिखा है, इट मीन्स दैट कि कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं, ठीक है। फिर जो तीसरा प्लेस है, ये थर्ड प्लेस हमें बताता है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं, ठीक है। जो तीसरा वाला प्लेस है हमें बताता है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं। तो हम जितना यहाँ पे लिखा है उतने ही फ्लोरीन एटम होंगे। अभी यहाँ पे 2 लिखा है तो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं, 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले डिजाइन कर चुके हैं कि यहाँ ये जो प्लेस है कार्बन बताता है, ये हाइड्रोजन बताता है, ये फ्लोरीन बताता है। तो ये कितने कार्बन बता रहा है, जितना लिखा उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ 1 लिखा है तो 2 कार्बन एटम मैंने लिख दिए। एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम की टोटल 8 वैलेंसी हो जाएगी। तो एक वैलेंसी तो इन दोनों ने आपस में सेटिस्फाई कर ली है। अब दूसरी प्लेस पर हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, 0 है। हमने देखा कि यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा रहेगा उससे एक कम हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ पे मैं कहीं भी हाइड्रोजन असाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर तीसरी प्लेस पर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने, 2। तो मैं यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम लगा देता हूँ। अब कितनी वैलेंसीज बच रही हैं, 1, 2, 3, 4। तो बस आपको ये याद रखना है कि इस फॉर्मूले से आप जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम निकाल लें, और उसके बाद चेक करें कितनी वैलेंसीज बच गई हैं। तो जितनी भी वैलेंसीज बचेंगी उन सब वैलेंसीज में हम क्लोरीन एटम को फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो ये तरीका होता है, अगर हमें ये कंपाउंड दिया है तो हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, और अगर ये दिया है तो हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। अब मेरे सामने जो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन दे रखा है। इस कंपाउंड का अगर मैं नाम पढ़ूँ CCl2F2, तो इसका डेजिग्नेशन हमें साइन करना है। इसको अगर हम नाम से पुकारेंगे IUPAC, अगर हम इसका बोलेंगे तो बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। एक कार्बन एटम होता है तो हम मीथेन बोलते हैं, 2 होता है तो इथेन बोलते हैं। तो हम इस गिवन कंपाउंड को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, और हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, हाइड्रोजन एटम कितने, फ्लोरीन एटम कितने, ठीक है। दैट इज़ हम ABC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें एक ही है, इट मींस दैट कि एक ही जो वैल्यू है वो 1 है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं चेक करूँगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो गिवन कंपाउंड में मैं देख रहा हूँ कि एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो B की वैल्यू है वो 0 है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं गिवन कंपाउंड में। तो मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम यहाँ पे 2 रेखे हैं, तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है। तो हमने ए और बी सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दिए, और डेजिग्नेशन लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है R a-1 b+1 c। तो यहाँ पे ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह 0 आ जाएगा, और सी की जगह 2 आ जाएगा। लिख के देखते हैं, तो ए की जगह मैंने 1 लिखा तो 1-1, बी की जगह 0+1, और सी की जो वैल्यू है 2 एज इट इज़। तो 1-1 होता है 0, और 0+1 होता है 1, और 2 अपनी जगह एज इट इज़। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R12 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका वाइस वर्सा देखते हैं। अगर हमें ये दिया है तो हमने ये तो निकाल लिया, परंतु अगर हमको ये दे रखा है और हमसे पूछा जाए कि बताइए भाई इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखना होगी कि जब भी आपको डेजिग्नेशन दिया होता है
दो डिजिट में, यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं, दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ज़ीरो कंसीडर करना होगा हमेशा, जो भी जैसे आर के बाद आपको सिर्फ दो डिजिट दिख रहे हैं तो आपको हमेशा पहली प्लेस पे एक ज़ीरो कंसीडर करना होगा। तो हम इसको फिर से लिखते हैं, अब हम इसका कन्वर्जन चेक करेंगे। यहाँ पे हमने वन के पहले एक ज़ीरो कंसीडर कर लिया है क्योंकि तीन प्लेस होती है हमारे पास, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन एटम। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जो प्लेस होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम बताती है, जहाँ पे ज़ीरो लिखा है और जितना लिखा रहता है उससे एक ज़्यादा कार्बन एटम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो कार्बन है वो एक है, जितना लिखा रहेगा उससे एक ज़्यादा कार्बन होगा। तो मैंने यहाँ पे कार्बन और उसकी चार वैलेंसीज जो हैं लगा दी। आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्लेस है जहाँ पे वन लिखा है, ये प्लेस हमें बताता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो प्लेस है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताता है, परंतु यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा होता है उससे एक कम हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ पे अभी वन लिखा है तो वन से कम होता है ज़ीरो, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़ीरो है। इस प्लेस पे जो भी डिजिट लिखा होगा उससे एक कम होगा हाइड्रोजन एटम। तो अभी यहाँ पे वन लिखा है तो वन से एक कम अगर हम जाएंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कंपाउंड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा वाला प्लेस है ये हमें बताता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, ठीक है, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, और इसमें कोई माइनस और प्लस नहीं करना है, जितना लिखा है उतने ही फ्लोरीन एटम रहेंगे। तो मैं दो फ्लोरीन एटम यहाँ पे कार्बन की चार वैलेंसीज में दो फ्लोरीन एटम को फिट कर देता हूँ। तो तीनों प्लेस को चेक करने के बाद मैंने कार्बन की चार में से दो वैलेंसीज सेटिस्फाइड कर दी हैं, परंतु अभी भी दो वैलेंसीज जो हैं खाली पड़ी हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी सारे प्लेसेस को चेक करने के बाद अगर कार्बन की कोई वैलेंसी बचती है, एक दो तीन, तो उन सब वैलेंसीज पर हम क्लोरीन एटम को फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमेनिंग जगह पे क्या करता हूँ, क्लोरीन एटम को फिट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि R012, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CCl2F2, दैट इज़ डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हमें केमिकल फॉर्मूला दिया हो तो हम उसको जो है R के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि अगर हमें R के फॉर्म में जो है डेजिग्नेशन दे रखा है तो हम उसके केमिकल फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है ना, दैट इज़ जितने भी कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं, मीथेन, इथेन, उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आप जो भी ऐड कर लें, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, अब हम डेजिग्नेशन लगाना सीखेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में ये अंतर होता है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये आपको तरीका याद रखना है लिखने का कि डेजिग्नेशन कैसा लिखा जाएगा। हमेशा जब भी आपको पता लगता है कि आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, मतलब कि कार्बन की वैलेंसीज में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, जब भी आपको पता लगता है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे आपको R के बाद एक वन लिखना है। दिस वन इंडिकेट्स दैट कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, बाकी एज इट इज़ A-1 B+1 C, ठीक है। R के बाद एक वन लिखना है हमें, ये वन जहाँ भी आपको, मतलब यहाँ पे कितनी प्लेस हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, जब भी आपको चार डिजिट दिखते हैं R के बाद अगर आपको चार डिजिट दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की टोटल चार वैलेंसीज हैं और आप देख सकते हैं कि दो वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लगा है, रिमेनिंग दो वैलेंसीज डबल बॉन्ड में सेटिस्फाइड हो गई, सेम इज़ हियर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका जो है केमिस्ट्री क्लियर होना ज़रूरी है, IUPAC क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इथाइलिन का जो है मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि कैसे इसका डेजिग्नेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ जो है कार्बन एटम कैलकुलेट करेंगे, तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, दो, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है हमारा बी हो जाएगा, 4। और क्लोरीन एटम यहाँ पे कितने, सॉरी फ्लोरीन एटम कितने हैं यहाँ पे, 0, तो C की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कैलकुलेट करते हैं तो हमें A पता लग जाता है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करते हैं तो हमें B पता लग जाता है, और नंबर ऑफ़ फ्लोरीन एटम कैलकुलेट करते हैं तो हमें C पता लग जाता है। तो इथाइलिन को देखते हुए हमें पता लग रहा है कि दो कार्बन एटम है, चार हाइड्रोजन है और एक भी फ्लोरीन एटम नहीं है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो
आर वन ए माइनस वन बी प्लस वन सी, तो ए की जगह मैं 2 रखूँगा, बी की जगह 4 और सी की जगह 0, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो 2 माइनस वन 4 प्लस वन 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 4 रखा, सी की जगह 0 रखा, तो 2 माइनस वन 1, 4 प्लस वन 5, 0। तो इथाइलिन का जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा आर 1150, ठीक है। वंस अगेन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इसका उल्टा लिखना हो तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 जो है ये बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 जितना भी यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा होगा इस प्लेस पे, जो भी डिजिट लिखा होगा आप उससे एक बढ़ा के जो है कार्बन एटम बता सकते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो कार्बन एटम होंगे 2, यहाँ पे 5 लिखा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इससे एक कम होगा यानी कि 4 होगा। इस प्लेस पे आप एक जोड़ दे तो कार्बन एटम हो जाएगा, इस प्लेस पे एक घटा दे तो हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, और इस प्लेस पे जो भी लिखा है वो सीधे फ्लोरीन एटम बताएगा। यदि इसके बाद भी कोई वैलेंसी बचती है तो हम वहाँ पे क्लोरीन एटम लगाते हैं। पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 लगाएं तो कार्बन को डबल बॉन्ड से ही शुरुआत हमें करनी होगी, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी थी, जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेजिग्नेशन के लिए क्या तरीका बताया गया है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताने की ज़रूरत नहीं है। अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो याद रखना जब भी आपको पता लगता है कि इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं तो इनका अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो वो 700 से शुरू होगा। जहाँ भी 700 लिखा है, 72, 713, 714, 728, 744, इस तरह से अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कार्बन कंपाउंड्स नहीं है, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट नहीं है, अगर 700 की सीरीज़ में आपको मिलते हैं तो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया का एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होता है। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17, नाइट्रोजन का जो होता है 14 होता है और हाइड्रोजन का 3 होता है, तो टोटल अमोनिया का 17 वेट हो जाता है। इसको 700 में ऐड कर दीजिए आप, तो 17 को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को 700 में, ये रैंडम है 700, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो 700 में मैं मॉलिक्यूलर वेट 17 को ऐड करता हूँ तो अमोनिया का जो डेजिग्नेशन है वो आता है 717, आर 717। एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, दैट इज़ 18 मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का, इसको 700 में ऐड कर दीजिए आप, तो ये वाटर का आपके सामने नोमेनक्लेचर आ गया। लास्ट एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, ऑक्सीजन का 32 और कार्बन का 12, तो 32 और 12 44, टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44, 700 में ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डेजिग्नेशन है दैट इज़ R744। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, इसको जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, इस लिंक को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने जितने भी नॉलेज सीकर्स फ्रेंड्स हैं आपके पहचान में, आपके कॉन्टेक्ट में, उन सभी को आप इसको फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ पेशेंस।